खम्मा घणी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे MRPNs? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। और आज हम वन लाइनर फैक्ट्स करने वाले हैं राजस्थान की टूरिज्म पॉलिसी यानी कि राजस्थान की पर्यटन नीति के ऊपर। देखिए, अगर मैं पूछूं राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था, राजस्थान के एकीकरण का सातवां चरण बताओ, सोचो 1956 के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पे जो प्रशासन में बैठे हुए हमारे नेता राजनेता थे, सब बहुत बुद्धिमान थे। उनको पता था हमारी जो पूर्वजों के द्वारा बनाई गई धरोहर है उसको संभाल के रखना है, वो हमारे लिए आने वाले दिनों में राजस्थान की इकोनॉमी में एक मेन रोल प्ले करने वाली है। तो उसी समय राजस्थान का पर्यटन विभाग कब बना था, राजस्थान का टूरिज्म डिपार्टमेंट कब बना था, इससे कोरिलेट करके याद कीजिएगा 1956 में। और आज जो है राजस्थान पर्यटन का हमारा स्लोगन क्या है, उसका टैगलाइन क्या है, पधारो मारे देश। बीच में जो है ये टैगलाइन एक बार ये भी थी कि जाने क्या दिख जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमने पर्यटन विभाग तो बना दिया, हम चाह रहे हैं और ज्यादा डेवलपमेंट हो, और ज्यादा विकास हो राजस्थान में पर्यटन का। पूरे भारत देश से ही और विदेशों से भी बहुत ज्यादा पर्यटक यहां पे आए, तो उसके लिए जरूरी था कि टूरिज्म सेक्टर जो है, टूरिज्म क्षेत्र यानी कि पर्यटन क्षेत्र जो है उसको उद्योग का दर्जा दिया जाए। तो टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का स्टेटस कब दिया गया, याद कर लो राजस्थान में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। तो 1956 के 33 वर्षों बाद यानी कि 1989 में, कब, 1989 के अंदर राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर को कौन सा स्टेटस दिया गया, उद्योग का दर्जा दिया गया। अभी भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी कि ठीक है, हमने दो काम कर लिए, पर्यटन का विभाग भी बना दिया और उद्योग का दर्जा भी दे दिया, और क्या कर सकते हैं जिससे टूरिज्म सेक्टर चार मतलब दिन दुगनी रात चौगनी करे। तो उसके लिए राज्य सरकार ने सोचा राज्य सरकार के पर्यटन के लिए एक अलग से नीति आनी चाहिए। तो राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी कब आई है, राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी आई है पहली 2001 के अंदर। कब आई है, 2001 में, आपको याद करना है, ठीक है, 2001 में, यानी कि 1989 से अगर हम देखें तो लगभग 11-12 वर्षों के बाद, ठीक है, ये आपको याद हो गया, पहली पर्यटन नीति। अगर हम लेटेस्ट बात करें तो राजस्थान की जो पर्यटन नीति लेटेस्ट है वो है 2020 की। किस दिन जारी की गई, इसकी तिथि पे भी क्वेश्चन आएगा, तो याद कर लो। पर्यटन के लिए हम मान लेते हैं, कपल्स को बहुत शौक रहता है, 21वीं शताब्दी के कपल हैं भाई, ठीक है, उनको सारा दिन क्या रहता है कि घूमना है घूमना है। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ना घुमाए तो गर्लफ्रेंड उसका क्या हाल कर देगी, उसके ऊपर सितम ढा ढा के बुरा हाल कर देने वाली है, ठीक है, और उसके जो है पूरे सारे दिन बर्बाद करने वाली है। तो याद करो राजस्थान की जो हमारी पर्यटन नीति 2020 है वो कब आई है, सितम करने वाली है, से याद करो सितंबर, ठीक है, और फिर वो दुर्गा का रूप धारण करके जो है पूरा हाल मचाने वाली है। तो याद करो दुर्गा माता के कितने नवरात्र होते हैं, 9, तो 9 सितंबर 2020 को राजस्थान की पहली टूरिज्म पॉलिसी आई है 2001 में। और राजस्थान की जो अभी है 2020 वाली पॉलिसी वो कब जारी हुई, 9 सितंबर 2020 को। टेंशन मत लेना, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं सबको समय अलग से दूंगी, ठीक है। अब जो है आगे बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। हाँ, एक और फैक्ट यहां पे बीच में है कि इको टूरिज्म पॉलिसी, अब हमने पर्यटन नीति जारी कर दी, हमने पर्यटन को पर्यावरण के साथ जोड़ा, हमें अपना पर्यावरण भी खराब नहीं करना, तो इको टूरिज्म पॉलिसी जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, मारो राजस्थान। पहला राज्य कौन सा है, मारो राजस्थान, ये पॉइंट भी हमें याद करना है। आगे चलते हैं, अब और कैसे डेवलपमेंट आए, आजकल आप सबको पता है ऐप का जमाना है, हर चीज पे जो भी हो ऐप पे आपको मिल जाती है। तो राजस्थान सरकार ने भी अपना टूरिज्म ऐप लॉन्च किया, कब किया, 2021 में किया, मतलब कि जो पर्यटन नीति 2020 है उसके बाद 2021 में, महीना सेम है सितंबर, 27 सितंबर 2021 को, ठीक है, कब किया, 27 सितंबर 2021 को। राजस्थान के पर्यटन ऐप की ब्रांड एम्बेसडर 2021 में किसको बनाया गया, मिस राजस्थान रह चुकी है करिश्मा हाड़ा को बनाया गया। किसे बनाया गया, करिश्मा हाड़ा को बनाया गया, ठीक है। अब जो है अपना एक पर्यटन ऐप लॉन्च करने वाला भारत जो है, राजस्थान जो है वो भारत में दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले किसने किया है, केरला ने किया है, ठीक है। तो पर्यटन ऐप अपना लॉन्च करने वाला राजस्थान केरला के बाद दूसरा राज्य जो है बन गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आई होप सबको हेल्प करेंगे ये। हाँ, यहीं से स्टार्ट है ना, यस, तो 1 2 3 1 2 3 यहां से भी हो गया होगा, बीच में तो नहीं हट रही हूं, यहां पे ले लीजिए,
और इसका भी ले लीजिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो क्या करना है, मारो राजस्थान के बच्चे सारे क्या करेंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा, अपने कमेंट जरूर देकर के जाना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, सबको रिप्लाई भी करती हूँ और मेरा मोटिवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। और हमारा एक मोटो है कि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, उसके लिए सब लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू एवरीवन, सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।